अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज की वीडियो व्हाट्सएप कोर से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो है और ये कोर्स उन भाइयों के लिए है कि जो न्यू न्यू मोबाइल को बाय करते हैं और उनको व्हाट्सएप की आईडी तक बनाना नहीं आता, या किसी बंदे को मैसेज सेंड करना चाहते हैं और उनको मैसेज भी सेंड करना नहीं आता और बाकी जो लोग हैं वो उनकी इस कम इल्मी का इस्तेमाल करते हुए उनके डेटा को चोरी कर लेते हैं और उनको काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसी तरह मैं स्टार्ट से लेकर एंड तक बताऊँगा कि आप व्हाट्सएप को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, कैसे किसी को मैसेज सेंड करते हैं, कैसे किसी के मैसेज को रीड करते हैं और कैसे स्टेटस लगाते हैं और इसी तरह मुख्तलिफ ऑप्शन जो हैं स्टार्ट से लेकर डेप्थ तक हम जाएंगे व्हाट्सएप से मुतालिक। इसी तरह फिर मैसेंजर फेसबुक से रिलेटेड भी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, पूरा कोर्स अपलोड कर दूंगा ताकि ये जो बेसिक चीज़ें हैं डेली लाइफ में जो मोबाइल में एप्लीकेशन इस्तेमाल होती हैं इनको आप सही तरीके से समझ सकें। सो आज की फर्स्ट वीडियो है, आज हम सीखेंगे कि हम व्हाट्सएप के अकाउंट को कैसे क्रिएट करते हैं और व्हाट्सएप को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। तो भाई अभी आपने अकाउंट कैसे बनाना है, मैं जो आपको स्टेप बता रहा हूँ आपने इसी स्टेप को सेम इसी तरह प्रोसीजर को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे मोबाइल के डेटा को ऑन कर देना है। मैंने मोबाइल के डेटा को ऑन कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च बार में अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन करना है। आपके पास प्ले स्टोर यहाँ पे आएगा, जहाँ पे भी आपको मोबाइल में प्ले स्टोर नज़र आता है आपने उसको ओपन कर लेना है। ये भी हम व्हाट्सएप को सबसे पहले, अगर आपके पास व्हाट्सएप मौजूद नहीं है उसको डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, यानी अपने मोबाइल की स्क्रीन पे कैसे लाना है, ये उसका प्रोसीजर है। स्टार्ट में आपने प्ले स्टोर पे जाना है, व्हाट्सअप लिखना है, मैंने व्हाट्सअप लिखा। उसके बाद अब मेरे पास इंस्टॉल है यानी मेरे पास मोबाइल में व्हाट्सअप डाउनलोड है तो इस वजह से मेरे पास ये वाला ऑप्शन आ रहा है ओपन वाला। आपके पास अगर इंस्टॉल नहीं होगा आपके पास इंस्टॉल वाला ऑप्शन यहाँ पर आएगा। सो आपने जब इंस्टॉल कर लेना है उसके बाद आपके पास ओपन वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब जस्ट हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर तो मैंने आईडी बनाई हुई है, एक दूसरा व्हाट्सअप मेरे पास यहाँ पे मौजूद है उस पर हम अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो वो व्हाट्सअप यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा, सही है। व्हाट्सअप को आपने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद ओपन कर लिया, उसके बाद आपके पास जो पहला ऑप्शन आएगा स्क्रीन पर दिखाई देगा एग्री एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन आएगा। आपने एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। स्क्रीन को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे आएगा कि वेरीफाई यूअर फ़ोन नंबर। आप यहाँ पे फ़ोन नंबर भी लिखेंगे जिस नंबर पे आप अपना व्हाट्सअप बनाना चाहते हैं ना, ये जो आपके मोबाइल में नंबर मौजूद है आपने यहाँ पे उसको लिखना है, उस नंबर को लिखना है जिस पे आपको मैसेज मौसूल हो, मैसेज रिसीव हो और आप उस मैसेज को यहाँ पर पुट कर सकें। क्योंकि अभी जो आप नंबर यहाँ पर देंगे आपको आगे एक मैसेज आएगा और फिर वो आपने वहाँ पे मैसेज लिखना होगा। अगर तो आपके इसी मोबाइल में वो नंबर मौजूद है तो ऑटोमेटिक कोड यहाँ पे लग जाएगा, सही है। तो आपने यहाँ पे नंबर पुट कर देना है। तो सिंपल मैंने नंबर पुट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, आपने इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, आपने ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। बिल्कुल सेम इसी स्टेप को आपने फॉलो करना है। उसके बाद अभी यहाँ पे क्या होगा, वेरीफाइंग यूर नंबर, कि आपके मोबाइल के मोबाइल नंबर को उसने वेरीफाई किया। क्योंकि मेरे मोबाइल में ये नंबर था, यहाँ पे आप देखें ऊपर मैसेज भी आ गया और यहाँ पे क्या है कि वो अकाउंट बन गया और यहाँ पे भी वो नाम का पता कर रहा है। आप दूसरा व्हाट्सअप बना रहे होंगे तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा। अभी मैं बिज़नेस वाले एप्लीकेशन पर बना रहा हूँ इस वजह से ये ऑप्शन भी आ रहा है। तो इसको आपने जो स्किप कर देना है, कोई मसला नहीं, कोई भी टाइप सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास अगर आप तस्वीर लगाना चाहते हैं व्हाट्सएप पर तो वो ये है कि यहाँ पे आप तस्वीर भी लगा सकते हैं, जो भी आप तस्वीर लेना चाहें। लेट्स सी, मैं ये तस्वीर ले लेता हूँ। मैंने ये पिक्चर ले ली, मैंने ओके क्लिक कर दिया। आप गैलरी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमने डिस्कस नहीं करना, वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जो नाम लिखना है आपने नाम लिख देना है और फिर आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और आपने यहाँ पे नॉट नाउ क्लिक पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो व्हाट्सअप है वो बन गया है, अभी आपकी आईडी बन गई है। तो आप इस तरह जो है व्हाट्सअप को इंस्टॉल कर सकते हैं यानी डाउनलोड कर सकते हैं। और आईडी कैसे बनाते हैं ये दो चीज़ें हमने आज की वीडियो में डिस्कस कर ली। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।